मिल्क बादाम पियो सिर्फ यहीं। प्रिजर्वेटिव्स यहाँ की जो रबड़ी है उसमें यूज से काजू डाला जा रहा है। खाओ पियो कहीं पर मिल्क बादाम पियो यहीं। तो ये जो टैगलाइन है ये है यमुनानगर के बेस्ट पवन जी मिल्क बादाम वालों की, और इनके जितने ही प्रोडक्ट्स है ना भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू अवर चैनल दो मस्ताने। रबड़ी देख लो यार, मतलब देखते ही बन रही है। तो ये पूरे दिन के लिए एक होता है या दो होते हैं ये जितने बड़े हैं? ये सर सर एक दिन। क्या बात है, देख लो मिल्क बादाम जो है वो 50 रुपए का पड़ जाएगा। शुगर फ्री मिल्क बादाम भी यहाँ पे मिलेगा जो कि 60 रुपए का। मटका कुल्फी है वो 80 रुपए की प्लेट है। रबड़ी लच्छे 90 रुपीज के हैं। रसमलाई 90 रुपीज में दो पीस आएंगे। रसमलाई का एक पीस 45 रुपए में है और ड्राई फ्रूट तिला कुल्फी 25 रुपए की है। मतलब यार इनके जो यहाँ पे खासियत है ना क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तभी इनका यमुनानगर में बहुत ज्यादा नाम है। यार एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी है, तो अगर आप देखेंगे कि इन्होंने हाथ में ना यार जो प्लास्टिक के जो ग्लव्स वगैरह होते हैं जैसे पन्नी के, तो वो भी पहन रखे हैं, तो हाइजीन का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। तो बनने जा रही है रसमलाई। रसमलाई है नहीं? हाँ जी। अच्छा ये चीज अलग से पहले तैयार होती है, उसके बाद में इसमें डाला जाता है। मुझे एक तरह से पहले लगा, मुझे लगा पता नहीं यार क्या इडली डाल रहे हैं क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने ज्यादा खाया नहीं है ये चीज़। अच्छा ऊपर से यहाँ पे डाल जाएगा ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट भी देख लीजिए सब भी कुछ है यहाँ पर। मतलब यार देखते ही ना आपके मुंह में पानी आ गया होगा, इतना लाजवाब लग रहा है ना, देखने में एक नंबर लग रहा है। तो स्वाद का तो आपको पता चल ही गया होगा कितना टेस्टी होने वाला है, जबकि इनका ना इतना ज्यादा नाम है। और यार जितने भी यमुनानगर जगाधरी के रहने वाले हैं उन सभी को पता है भाई पवन मिल्क बादाम कितनी पुरानी दुकान है। हाँ। कितना फेमस है और क्या सर्व करते हैं, क्या क्वालिटी है यहाँ पर। काजू डाले जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया। अच्छा मटका कुल्फी, ये मटका कुल्फी देखिए, मटका कुल्फी तैयार हो रही है। ये कुल्फी पड़ी। अच्छा ये पड़ेंगे लच्छे। अच्छा लच्छे फलूदा। हाँ जी फलूदा फलूदा। ये फलूदा पड़ गया सर। अच्छा ये ऊपर से मीठा आ जाएगा। ये मीठा आ जाएगा। तो ये क्या चीनी की चाशनी? चीनी की चाशनी। अच्छा के बाद इसमें फिर रबड़ी पड़ेगी। अच्छा इसमें अब रबड़ी आएगी। वाह जी वाह भाई, चार पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है ये चीज। मटका कुल्फी। अब वैसे भी यार गर्मियां शुरू हो ही गई हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि काफी टाइम से हम यमुनानगर को कवर कर रहे थे, तो जैसे कि सर्दियों का विंटर्स का तो सामान आपको सारा दिखाई दिया था क्या क्या मिल जाएगा, अब ये जो शुरुआत है ये गर्मियों के लिए है यार। तो यार मैं तो आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी जो कि भैया ने बोली है, और मैं खुद अपने वर्ड्स कहना चाहूंगी यहाँ पे कि खाओ पियो कहीं भी पर मिल्क बादाम पियो सिर्फ यहीं। इनका जो मिल्क बादाम की खासियत है ना, एक तो ये क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, दूसरा जब आप मिल्क बादाम पियोगे ना बादाम आपके लास्ट स्टैंड तक साथ देने वाला, इतने बादाम फील किए जाते हैं इसमें। तो यार दिखा दे पहले मैं। मीठा मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन चीज की क्वालिटी है काफी ठीक है यार, क्योंकि तुम मीठा कम पीते हो इस वजह से यार। नाम इनका जो है ना मिल्क बादाम,
पवन जी मिल्क बादाम, वो इसलिए है क्योंकि इनका मिल्क बादाम ना एक नंबर है। वैसे तो आपको मिल्क बादाम हर जगह पे मिलने वाला है यमुनानगर में, लेकिन इनका जो मिल्क बादाम है ना वो अलग है। तो ये सारा सामान आ गया हाँ, और शुरुआत में करना चाहूंगा इनकी टाइमिंग से, जो कि है 11 से रात 11:30 बजे तक। जोमेटो में भी है ये, और जो इनकी लोकेशन पड़ जाएगी वो पड़ जाएगी स्टेशन रोड सामने इनके ऑपोजिट बिल्कुल SBI पड़ जाता है यार, नियर बाय पड़ जाएगा फाउंटेन चौक। तो यार देख लो हमने कितना कुछ ऑर्डर कर लिया। सबसे पहले मिल्क बादाम जो कि आपको झलक दिखाई दिया हमने, साथ में रबड़ी वाले लच्छे, मतलब मैं कहूंगी दो बंदे ना एक में आराम से अपना पेट भर सकते हैं, बहुत हैवी होता है इनका और क्वालिटी सर्व करते हैं। साथ में है जी रस मलाई, ओए रस मलाई देख लो एक बार, शानदार लग रही है रस मलाई। तो जिन्होंने कभी ट्राई ना करा एक बार यहाँ की ट्राई कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। ट्राई कर लेना। और साथ में तिल्ला कुल्फी है, कौन सी है, ड्राई फ्रूट वाली तिल्ला कुल्फी है यार, ये देखो। और इनका जो नाम है वो काफी पुराना है यार, काफी पुरानी दुकान है, इस वजह से ही इन्होंने बोला कि खाओ पियो कहीं भी लेकिन मिल्क बादाम पियो सिर्फ यहीं का। क्या है, एक नंबर यार, यहाँ की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यार मतलब इनकी हर एक चीज में ना क्वालिटी दे रहे हैं। रेट है थोड़ा ज्यादा रेट है लेकिन क्वालिटी मिल रही है, जो अपना रबड़ी वगैरह बहुत ही ज्यादा थिक है यार, बहुत अच्छा लग रही है यार। तो यार मैं कह रहा हूँ रसमलाई, और रसमलाई भी यार बहुत अच्छी लग रही है। लच्छे भी इतने सॉफ्ट है ना यार, और ऊपर से डाल रखे हैं बादाम काजू, वो अलग ही मजा दे रहे हैं। तो अगर जो भी वीडियो देख रहा हो यार जरूर आना, बहुत सही चीज है। यार रेट जो है ना, रेट भी इतना ज्यादा नहीं है, सही लगा क्योंकि यार इतना कड़ा हुआ दूध की उन्होंने बना दिया रबड़ी लच्छे और साथ में मिल रही है हमें रसमलाई, तो उस वजह से रेट भी बहुत जायज दिया गया। इतने दूध को इतना काढ़ा गया ना अच्छे से, प्रॉपर है। ये नहीं कि आप वैसे कहीं पे भी जाओगे ना हमने, आपको मिल जाएगी ये सब चीजें यार। ये जो जैसा ये कलर आता है ना, ये काढ़ने के बाद ही आता है। यहाँ पे आपको हर एक ब्रांड की आइसक्रीम मिलने वाली है, क्वालिटी वॉल, अमूल और जितना भी ब्रांड रहते हैं उन सब क्रीम बेल वगैरह सब, क्रीम बेल सब कुछ। 25 साल पहले इस इनकी जो शॉप है पवन मिल्क बादाम, इससे बाहर इनका एक कार्ट हुआ करता था यार। तो देख रहे हैं कि कितनी लॉन्ग एक हिस्ट्री है पवन मिल्क बादाम के साथ जुड़ी हुई, मेहनत है, कितनी लंबी एक जर्नी भी बोल सकते हैं आप जो है, और आज भी सर्व कर रहे हैं क्वालिटी में, अभी भी यार बिल्कुल वही क्वालिटी बरकरार है। अच्छा मैंने यहाँ का मूंग दाल का हलवा भी ट्राई किया हुआ है, वो भी काफी टेस्टी होता है। कॉफी भी मिलती है यहाँ पे। अच्छा तो यार ये सारा सामान भी है, गुलाब जामुन भी है शायद ना, गुलाब जामुन, गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन रबड़ी, कॉफी। तो यार जहाँ तक गाजर हलवे का इनका सवाल है, वो है 50 रुपए का 100 ग्राम, और गाजर का हलवा हमने एक बार खाया था यार, वो भी बहुत अच्छा है यार, आपको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने खाया होगा, हम बस ये बताते हैं कि आप पता कोई एक नया एडिशन हो गया हो जो आपको ना पता, ये चीजें नहीं खानी है तो कुछ अलग। गुलाब जामुन भी है यार, और सर्दियों में तो यार आपको पता ही है गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा कितना मतलब टेस्टी लगता है। अब आ गई है गर्मियां, तो आप ये सब ट्राई कर लेना यहाँ पर आकर, रबड़ी वगैरह, रबड़ी लच्छे, मिल्क बादाम, प्रिजर्वेटिव्स, यहाँ की जो रबड़ी है उसमें यूज नहीं करे जाते, कोई कलर वगैरह यूज नहीं करे जाते, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे वो बनाते हैं वैसा ही यूज लगता है यार। और जो बता रहे हैं 25 साल पहले जो ये यहाँ पर कार्ट लगता था इनका, तो उस पर ये पाइनएप्पल भी बेचते थे, है ना, पाइनएप्पल फ्रूट वगैरह, पाइनएप्पल शरबत होता था वो, बड़ा अलग चीज़ रही होगी वो तो, पाइनएप्पल शरबत की भी बहुत। अच्छा पाइनएप्पल शरबत। अब जरा एक बार ड्राई फ्रूट जो इनकी तिल्ला कुल्फी है वो देख लेते हैं। मतलब पता है क्या इनका, मुझे ये लगता है कि जैसे बंदे ने अगर रबड़ी लच्छे का एक कप ले लिया ना, उसे खाने की जरूरत नहीं है कुछ और, पेट उसका पूरा फुल हो जाएगा, इतनी ज्यादा हैवी होती है वो। और आप खा भी रहे हो क्या, अच्छी चीज खा रहे हो, यानी कि आप अलग कुछ मैदा वगैरह कुछ खा रहे हो, एकदम प्योर खा रहे हो आप, क्योंकि बीच में ये बिल्कुल भी कलर एसेंस यूज नहीं कर रहे, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर रहे हैं, कस्टर्ड पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर आपको दूध ही मिलने वाला है। ओहो हर चीज में ना कमाल जो है ना, दूध को काढ़ा है जो उसका है, इसमें तो यार इन्होंने इलायची भी डाल रखी है, ड्राई फ्रूट तो है, इलायची का टेस्ट है साथ में। तो यार यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको पता ही है कितने अच्छे हैं, और आप भी आ जाना ट्राई। और जो हमने ट्राई करा है भाई, हमारा तो रिव्यू अल्टीमेट रहा है, बिल्कुल नंबर वन प्रोडक्ट्स खाने को मिले यहाँ पर। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।